हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेक्चर नंबर 54 है और जो बिल्डिंग मटेरियल का 54 लेक्चर है वो है सीजनिंग कैन बी डन नेचुरली और आर्टिफिशियली। कि जो सीजनिंग होता है एक तो नेचुरली होता है और एक आर्टिफिशियली होता है। तो नेचुरली क्यों होता है, तो क्या है, कैसे होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरली का मतलब सीधा हम मतलब सन की लाइट में छोड़ देते हैं, ठीक है, सन की लाइट में उसको छोड़ देना, वो नेचुरली हो गया, ठीक है। और आर्टिफिशियली कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसीजर के द्वारा होता है, तो वो चीजें हम समझेंगे, ठीक है। सीजनिंग की बात कर रहा हूं तो सीजनिंग से रिलेटेड इसके प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं 53 नंबर का लेक्चर में, जिसमें मैंने सीजनिंग क्या है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन ड्यू टू, किस रीजन से सीजनिंग ऑफ टिम्बर और किया जाता है, मतलब क्यों किया जाता है, वो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो नेचुरली होता है उसमें क्या प्रॉब्लम है या अच्छा है कि नहीं है, और आर्टिफिशियल होता है तो क्यों आर्टिफिशियल करने की जरूरत है, तो वो सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। समझाने नहीं, मैं तो डिस्कस करूंगा आपके साथ, आप ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, बस मैं थोड़ा सा पॉइंट आपके सामने रखूंगा, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो चलिए और स्टार्ट कर देते हैं। देखिए नेचुरली जब हम करते हैं ना, तो देखिए नेचुरली पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता है। नेचुरली की अगर बात करें तो कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि सन की लाइट कभी तेज होगी, कभी कभी बहुत ज्यादा होगी, कभी बहुत कम होगी, तो उसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसके कारण वो ड्राई भी अनइवन होता है। और जिसके कारण जब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है तो वो अनइवन ड्राई होगा, ठीक है, उसके सरफेस पे अनइवन ड्राई होगा, ठीक है, जिसके कारण मतलब श्रिंकेज, वॉपिंग, क्रैकिंग, मतलब कई सारे जो होंगे, तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूं कि जब हम ड्राई नेचुरली करते हैं, व्हेन ड्राइंग इज डन, व्हेन ड्राइंग इज डन नेचुरली, अगर हम नेचुरली करते हैं, There is no control over drying. There is no control over drying, hence इसी के लिए uneven dry होता है, uneven drying of surface takes place. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि रेजिस्टेंस जो श्रिंकेज है, वॉपिंग है, ठीक है, उनके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट श्रिंकेज के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है, वॉपिंग के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है, क्रैकिंग न हो उसके लिए जो होता है वो क्या हो जाता है, इसके कारण रिड्यूसेस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसको रोकने वाला, श्रिंकेज न हो उसको रोकने का, वॉपिंग न हो उसको रोकने का, क्रैकिंग न हो उसको रोकने का, जो रेजिस्टेंस होता है, रोकने का पावर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि फंगी का रेजिस्टेंस, इंसेक्ट का, वो सब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दो पॉइंट भी यहां पर लिख देता हूं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फंगी, इंसेक्ट एक्सेट्रा रिड्यूसेस टू लेसर एक्सटेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो पॉइंट भी मैं यहां पर बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो टाइम रिक्वायर्ड चाहिए ना सीजनिंग के लिए, नेचुरल सीजनिंग की बात कर रहा हूं, टाइम
रिक्वायर। अब नेचुरली हो रहा है तो भाई टाइम तो ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल सीजनिंग, जो नेचुरल सीजनिंग है उसके लिए जो टाइम है वो कंपेरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। कंपेरेटिवली इज मोर, आर्टिफिशियल के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि अभी कभी मतलब ज्यादा धूप हो जाएगा, कभी मतलब ह्यूमिडिटी हो जाएगी, कभी टेम्परेचर कम ज्यादा होते रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता है, देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज नो कंट्रोल ओवर सर्कुलेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एक्सेट्रा। सो आर्टिफिशियल सीजनिंग जो है इज जनरली प्रिफर्ड। ठीक है, सो आर्टिफिशियल जो सीजनिंग होते हैं ना वो जनरली प्रिफर करते हैं लोग। ठीक है, आर्टिफिशियल सीजनिंग जनरली लोग प्रिफर करते हैं। तो चलिए, आर्टिफिशियल अगर जनरली प्रिफर करते हैं तो आर्टिफिशियल सीजनिंग है क्या, उसे कैसे करते हैं, वो चीजें पॉइंट भी यहां पर बता देते हैं। आर्टिफिशियल सीजनिंग इज डन बाय, ठीक है, आर्टिफिशियल जो सीजनिंग होती है ना वो कई तरीके से होती है। जैसे कि पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं, बॉइलिंग के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा। ये देखिए, अगर मेंस की बात करूं ना तो ये क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिफिशियल सीजनिंग में जो आर्टिफिशियल सीजनिंग कैसे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो केमिकल, केमिकल के द्वारा। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल के द्वारा, इलेक्ट्रिकल। चौथा पॉइंट की बात करूं तो किल्न के द्वारा। और पांचवा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो है वाटर सीजनिंग। ठीक है, तो ये पांच जो पॉइंट हैं इनके द्वारा मतलब आर्टिफिशियल सीजनिंग की जाती है। ठीक है, इन पांच के द्वारा आर्टिफिशियल सीजनिंग की जाती है। तो कैसे की जाती है, तो वन बाय वन हम इस लेक्चर के जो वीडियोज है इसको वन बाय वन ये पॉइंट मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, सीजनिंग आज कंप्लीट कर दूंगा और नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, जैसे मैंने बताया प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर की बात किया तो पहले फेलिंग ऑफ ट्री, ठीक है, दूसरा ये सीजनिंग, तीसरा आपका कन्वर्जन ऑफ टिम्बर आ जाता है और चौथा प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर आ जाता है। तो ये मैं सीजनिंग कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर के बारे में भी बता दूंगा। तो चलिए वन बाय वन इसमें से पॉइंट ले लेते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, बॉइलिंग है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग से रिलेटेड भी पॉइंट हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग क्या है, ठीक है, तो ये जो मेथड है ना वो क्यूकिस्ट मेथड है, वो जल्दी वाला मेथड है। ठीक है, और ये अवेलेबल भी है। ठीक है, इसके लिए भी लिख लेते हैं ये पॉइंट कि इट इज क्यूकिस्ट मेथड अवेलेबल फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, ये अवेलेबल भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर इसमें बात करूं, बट टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड कैन लूज
its strength and elasticity. लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है उसके लिए कि वो अपना स्ट्रेंथ और अपनी इलास्टिसिटी क्या कर देता है, लूज कर देता है, मतलब कम कर देता है. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि बॉइलिंग ठीक है जल्दी वाला मेथड है, फटाफट इसका सीजनिंग हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये डिसएडवांटेज भी है कि वो उसका स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी क्या कर देता है इस मेथड के द्वारा, लूज कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करूं कि इस मेथड में इन दिस मेथड टिम्बर सेक्शन इज इमर्ज इन वॉटर एंड बॉइल्ड फॉर 3 to 4 hours. ठीक है, 3 से 4 घंटे इसको जो आपका टिम्बर है उसको इमर्ज कर दिया जाता है वाटर में और उसको बॉइल किया जाता है 3 से 4 घंटे. बॉइलिंग करने के बाद उसको नेचुरली कूल किया जाता है, वो भी पॉइंट लिख लेते हैं. आफ्टर बॉइलिंग इट इज अलाउड टू कूल नेचुरली. ठीक है, नेचुरली कूल करने के लिए अलाउ किया जाता है. ठीक है, नेचुरली अलाउ किया जाता है. तो ये उसका प्रोसीजर था जो मैंने पॉइंट का बता दिया कि बॉइलिंग में ये प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका केमिकल. तो केमिकल को भी देख लेते हैं कि केमिकल प्रोसीजर क्या है, जिससे कि केमिकल का भी आइडिया मिल जाए. तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सबसे मतलब जल्दी वाला मेथड है, 3 से 4 घंटे में ही ये काम कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, और लेकिन ये डिसएडवांटेज है कि इसमें स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी क्या कर देती है, कम कर देती है, लूज कर देता है. ठीक है, तो ये पॉइंट को भी ध्यान में आप रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरा वाला जो पॉइंट है वो है केमिकल मेथड. ठीक है, केमिकल में क्या है वो चीजें भी बता देता हूं. इसको सॉल्ट सीजनिंग भी बोला जाता है, ये भी पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सीजनिंग है ना इसको सॉल्ट सीजनिंग भी बोला जाता है. कि दिस सीजनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट सीजनिंग. ठीक है, इस मेथड को और क्या बोला जाता है, सॉल्ट सीजनिंग बोला जाता है. इसमें क्या किया जाता है कि इन दिस सीजनिंग में क्या किया जाता है, टिम्बर को एक सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है उसमें रखा जाता है और इस रेट से इवेपोरेटेड किया जाता है. उसका इवेपोरेशन मतलब एक रेट से इंक्रीज किया जाता है. ठीक है, पॉइंट मैं लिख देता हूं. ठीक है, इन दिस सीजनिंग द टिम्बर कैप्ट इन सर्टेन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज. इसके कारण क्या होता है, उसका इवेपोरेशन जो है ना वो इंक्रीज कर जाए, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाए, इसीलिए इसको टिम्बर को सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है. ठीक है, और इस प्रोसेस से सीजनिंग इंटरनल इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है. ठीक है, कंपेयर टू एक्सटर्नल, जिससे उसकी स्ट्रेंथ इस प्रोसेस में भी स्ट्रेंथ क्या कर देता है, मतलब थोड़ा बहुत कम करता है. ठीक है, इस प्रोसेस में भी तो क्या कर लेते हैं कि मतलब ये जो केमिकल प्रोसीजर है तो इसे सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देते हैं कि ताकि उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो, और इससे क्या होता है कि उसके इंटरनल जो है ना अंदर का जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है एक्सटर्नल के कंपेरिजन में. ठीक है,
तो चलिए वो पॉइंट भी यहां पर लिख देता हूं, बाय दिस प्रोसेस ऑफ सीजनिंग इंटरनल एवपोरेशन, इंटरनल एवपोरेशन इज मोर, ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के कंपैरिजन में इंटरनल एवपोरेशन ज्यादा हो जाता है, और इसी रीजन से सो स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ विल नॉट रिड्यूस, इसी रीजन से स्ट्रेंथ उसका क्या होता है, घटता नहीं है, ठीक है, इसी रीजन से, बाकी बॉइलिंग करने पे उसका स्ट्रेंथ घट जाता था, ठीक है, लेकिन इस रीजन से उसका स्ट्रेंथ कम नहीं होता है, ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि कम नहीं होता है, स्ट्रेंथ विल नॉट रिड्यूस, स्ट्रेंथ कम नहीं होता है, ये दूसरा वाला था। तीसरे वाले मेथड को देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग है, इलेक्ट्रिकल जो सीजनिंग है उस मेथड को भी हम यहां पर देख लेते हैं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, तीसरा जो था इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के बारे में भी हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल में क्या करता है कि ये और ज्यादा बहुत रैपिड मेथड है, ठीक है, लिख सकते हैं कि मोर रैपिड मेथड, मोर रैपिड मेथड है, ठीक है, इसके बारे में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि बहुत मतलब रैपिड मेथड है, और आपको पता ही है कि टिम्बर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये पता ही है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर आगे लिख सकते हैं, यहां पर टिम्बर ही है, टिम्बर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बैड कंडक्टर होने की वजह से जब इसके अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो उसके अंदर के जो मॉइस्चर है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, व्हेन करंट इज फ्लो इट रिमूव्स मॉइस्चर, ठीक है, और ये जो मेथड होता है वो बहुत रेयरली होता है, क्यों रेयरली होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है इसीलिए ये रेयरली होता है, ठीक है, तो इट इज रेयरली यूज्ड बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है इसलिए रेयरली यूज होता है, ये पॉइंट इतना था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो चौथा आपका मेथड है किल्न मेथड, मतलब भट्टी वाला, किल्न सीजनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ये सीजनिंग था, ठीक है, इलेक्ट्रिकली बाय इलेक्ट्रिकली सीजनिंग कैसे करते हैं, ये किल्न सीजनिंग क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको यहां पर पॉइंट मैं बता देता हूं, ठीक है, किल्न सीजनिंग क्या है, तो इसको क्या किया जाता है ना कि इसको एक बड़े लार्ज ओवन रहता है उसके अंदर इसको रखते हैं, ठीक है, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो टिम्बर रखे हुए हैं उनके सेक्शन के बीच में कुछ स्पेस देते हैं, उनके बीच में सेक्शन के बीच में स्पेस रखते हैं कि ताकि उनका एयर सर्कुलेशन हो सके, ठीक है, और इसमें सेचुरेशन एयर रहता है 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस का, मतलब सेचुरेटेड एयर उसमें सर्कुलेट प्रेशर के द्वारा किया जाता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है और फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, पहले तो स्टार्टिंग में उसको सेचुरेशन एयर दिया जाता है 35 से डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस, उससे क्या होता है उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है यूनिफॉर्मली उसको ड्राई किया जाता है, यूनिफॉर्मली ड्राई करने से ये सीजनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो चलिए वो पॉइंट को हम लिख देते हैं जो पॉइंट अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं कि टिम्बर इज कैप्ड इन
लार्ज ओवन, ठीक है, एक लार्ज ओवन में रख देते हैं। फिर बाद में वो जो टिम्बर रख रहे हैं उनके बीच में स्पेस रखें कि ताकि एयर सर्कुलेशन हो सके, ठीक है। तो पॉइंट लिख देते हैं कि स्पेस बिटवीन टिम्बर सेक्शन इज कैप्ड, इज कैप्ड सच दैट देयर विल बी सफिशियंट, देयर विल बी सफिशियंट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हो सके ऑफ एयर टेक प्लेस, ठीक है, एयर सर्कुलेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द सैचुरेशन एयर, सैचुरेटेड एयर एट द रेट 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस, ये मतलब टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण मतलब ये कैसे देते हैं, इज सर्कुलेटेड विद प्रेशर, विद प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के द्वारा सर्कुलेट करते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, नमी जो एनवायरमेंट होती है इज रिड्यूस, सो टेम्परेचर इज इंक्रीज रिजल्टिंग, इसके कारण रिजल्टिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म ड्राई हो जाता है, यूनिफॉर्म ड्राई, जिससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म ड्राई होता है, ठीक है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है और लास्ट जो मेथड है सीजनिंग का वो है वाटर सीजनिंग, ठीक है, वाटर सीजनिंग। एक बंदे ने मुझसे पूछा था, ठीक है सर, हम उसके अंदर के वाटर सीजनिंग का मतलब होता है वाटर उसके अंदर का रिमूव करना, तो फिर इसको वाटर ही अगर इसके पास कराएंगे तो फिर मतलब क्यों किया जाता है, तो इसका मेन रीजन मैं बता दूं कि इसका मेन रीजन यही होता है कि उसके अंदर का जो सैप है ना, सैप को रिमूव कर सकें, ठीक है, तो ये पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट मैं बता देता हूँ कि टिम्बर सेक्शन आर कैप्ड इन फ्लोइंग वाटर, जो फ्लो वाटर होता है ना उसमें इसको रख दिया जाता है, टिम्बर सेक्शन आर कैप्ड इन फ्लोली वाटर, ठीक है, फ्लोली वाटर में रख देते हैं। कैसा रहता है, जैसे मैं बताऊं, इस तरीके का सेक्शन रहता है, इस तरीके का सेक्शन बना रहता है, ठीक है, इस तरीके का सेक्शन रहता है और ये उसका अपस्ट्रीम है, ये उसका डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। इस तरीके से क्या किया जाता है, इसके अंदर रख दिया जाता है टिम्बर को, ठीक है, और यहां पर ये मतलब ये डायरेक्शन मैंने बताया, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर, इस तरीके से इसमें फ्लो किया जाता है, ठीक है। तो ये था पॉइंट जो वाटर सीजनिंग का, और मेन इसका पर्पज ये होता है कि सैप को रिमूव कर सकें, जो इसके अंदर टिम्बर के अंदर जो सैप होता है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, तो ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सीजनिंग करने का ये तरीका था, आर्टिफिशियल तरीके, जो पांच मैंने मेथड बताए, ये पांच मेथड के द्वारा ये सीजनिंग की जाती है। तो आप इस तरीके से देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जिक्र करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर में सिंपल और सीधी भाषा में बताऊं, उसको सॉइंग करना, मतलब किस तरीके से उसकी कटिंग करना, कि उसके जो आपको डिजायर शेप और साइज है उस शेप में हमें देना, तो वो सारे पॉइंट भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे, कि ताकि आपके लिए कन्वर्जन समझ में आ जाए। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में प्रिजर्वेशन भी बताएंगे, फिर बाद में डिफेक्ट बताएंगे कि टिम्बर के अंदर क्या क्या डिफेक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से तीन चार वीडियो में
ये आपका टिम्बर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखते रहिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट लें। मेरा प्रयास ही है कि आप सभी तक ये वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। हाँ, ये नोट्स अगर किसी को चाहिए तो वो नोट्स के लिए मैंने 20 रुपीज चार्ज रखा है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस चैनल के अबाउट में जाइए, वहां पर दिया हुआ है, तो वहां से आप ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।